पिछले एपिसोड में हुचिन ने बड़े खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था इसीलिए ननाना ना इसके बारे में एक्शन लेने के लिए रेडी हो गई थी लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि पिछली बार इसने भी इमोशनल होकर एक्शन लिया था, था। इसीलिए वो सेंसिज से कहती है की तुम भी इस बात से लेसन लो और मैं चाहती हूँ की तुम अब यहाँ से जल्द से निकल जाओ वही उधर ननाना अपने चार स्किल को एक साथ में यूज करने के लिए रेडी हो गई थी जिसके बाद हम देखते हैं की वो सबसे पहले इनविंसिबल गोल्डन बॉडी का यूज करने लगती है और फिर इस तरह से वो शानदार तरीके ऐसी होंगचेन के अटैक से खुद को बचाते हुए उसके तरफ जाने लगी थी लेकिन वही उधर होंगचेन भी इतने आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाला था लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ननान अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके उसके पीछे आ जाती है और अब इस तरह से वो अपने वेस्ट बो का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो इसके ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ननान के ऊपर इसके अटैक का ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि वो अपने इनविंसिबल गोल्डन बॉडी का यूज करके इसके अटैक से खुद को बचा रही थी लेकिन वही उधर होंगचेन अभी भी लगातार इसके ऊपर अटैक कर रहा था इसीलिए इस बचा सके लेकिन चिंता होने लगी थी जिसके बाद वो कहने लगती है की नाना ने तो इस तरह से होमचेन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से खुद को बचा लिया लेकिन इसके अलावा वो एक साथ में चार स्किल को यूज कर रही है और उसी वजह से उसकी फिजिकल लोड भी काफी बढ़ गई है तभी इसी बीच हम देखते हैं इसके ऊपर अटैक करने के

का यूज कर लिया था जिसके वजह से उसकी पूरी बॉडी मेटालिक लिक्विड में चेंज हो गई होती है और इसीलिए इस हो को को इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से अपने नॉर्मल वाले रूप में आ गया था जिससे देखते हैं टीचर जावा कहने लगती है की एबिलिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वह खुद को एक ही पल में मेटालिक लिक्विड में चेंज कर सकता है और उसके अलावा वह फिर बहुत ही आसानी से अपने

मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो भी अपने का यूज करके इनके करने के लिए रेडी हो जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि की सिस्टर भी इसके के सामने बहुत ही बुरे तरीके से फंस आती है जिस मौके का फायदा उठाकर वे सभी भी अपने थंडरबीट मेटल लाइट बॉल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे लेकिन अभी भी हम देखते हैं की सियाटाउ इतने आसानी से इनके सामने हार मारने वाली नहीं होती और वो भी इनका सामना करने के लिए अपने फिनिक्स

फायर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गयी थी जिससे देखा भी इस बात से काफी डर गया था और वो अपने प्लेयर चेन फाई से कहता है की तुम जल्दी से उसके सामने से हट जाओ लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं को टाव के अटैक से बचने के लिए मौका नहीं मिल पाता और अब इस तरह से टाव ने इसे कर दिया था तभी हम देखते हैं की एक और प्लेयर भी सियाव टाव के अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ बैरियर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन असल में यह बैरियर भी सियाव टाव के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता इसके बाद हम देखते हैं कि अपने पावर का यूज करके रुलों के ऊपर भी अटैक

के साथ ही इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे लेकिन तभी इनके अटैक करने से पहले बेई कहता है की हम अपना हार मानते हैं लेकिन इसके बाद हम देखते हैं याओ हेंग अभी भी इनके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो कहने लगता है की हम अभी भी इनसे फाइट कर सकते हैं लेकिन यह देखते ही उसे कहता है की सीनियर आप थोड़ा सा शांत हो जाइए क्यूँकी टीचर जावाइन से फाइट करने के लिए यही प्लान बनाया था इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद सुनकर याओ हेंग भी शांत हो जाता है लेकिन अभी भी उसे इस बात के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने फादर को उदास कर दिया इसके बाद हम देखते है की रेफरी ने भी सनमून एकेडमी को इस राउंड का अनाउंस कर दिया था लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही के सभी लोग इस बात से काफी उदास हो गए थे वहीं उधर टीचर जमा कहना लगती है कि सोल गाइड के होने के वजह से सनमून टीम का पावर बहुत ही ज्यादा हो गया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारे जीतने का चांस तीस परसेंट ज्यादा नहीं है इसीलिए उसे पता होता है की इस टीम बैटल को नहीं जीत पाएंगे और इसीलिए इनके सामने गिव अप करने के लिए इसका दो रीजन है जिसमे से पहला होता है की वे समय का यूज करके अपने ताकत को रिकवर करेंगे और जबकि दूसरा रीजन होता है रूलोम और उसकी सिस्टर को एक्शन

और जीत का होना तो पूरी तरह से नॉर्मल है अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि अगर किसी ने भी इनको इंसल्ट करने का कोशिश किया तो वो इसके लिए सजा भुगतने के लिए रेडी रहना जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी पूरी तरह से सा शांत हो गए थे और अब इनमें से कोई भी के बारे में बोलने के लिए हिम्मत नहीं कर पाता तो अभी इस बीच हम देखते है की युवा हाउस के ऊपर गुस्सा होने लगा था और फिर वो अपने मदर को याद करते हुए कहने लगता है की आपने जिससे प्यार किया है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसके बाद भी आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्यूँकी मैं भी अब जल्दी से होने की कोशिश करूंगा और उस तरह से मैं किसी न किसी दिन इससे आपका बदला जरूर लूंगा वही दूसरी तरफ हम देखते हैं ननान के बारे में होने लगती है। और वो जैसे ननान को जख्मी हालत में देखता है की तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो क्यूँकी भले ही वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई है लेकिन फिलहाल उसे कोई भी बड़ा खतरा नहीं है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो ननान को ऐसे हालत में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था जिसके बाद टीचर जमा उसे कहती है कि सबसे पहले इंडिविजल बैटल में तुम ही जाओगे तब इसके बारे में सुनकर सेंसी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है क्योंकि वह असल में नान के ऐसे हालत का बदला लेना चाहता था तभी हम देखते हैं कि रेफरी भी इंडिविजुअल मैच के के बारे में अनाउंस कर देता है पर की सेंसी का सामना सनून प्लेयर ली से होने वाला था इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी जैसे इनके बीच के मैच को स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है तब इसके बारे में सुनकर सेंसी एक पल के लिए भी देर नहीं करता और फिर वो तुरंत ही लियान के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान भी अपने सोल गाइड का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था जो कि कंप्रेशन और कंडेंसेशन के वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते कि सेंसी को इसके बारे में चिंता नहीं होती और वो तुरंत इसके खुद को बहुत ही आसानी से बचाने लगा था और उसी जैसे इसके ऊपर अटैक करने आता है तब सेंसी अपने रिप्लेसमेंट वाले पावर का यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है इसके बाद हम देखते हैं अपने पावर का यूज करके लियान के

कुछ भी नहीं कर पाओगे और अगर तुम इसमें नहीं मारे जाओगे तो भी तुम इसमें डिसेबल हो जाओगे अब इसके बारे में सोचकर लियान इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने लगा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सच में उसके ऐसा पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और अब इस तरह से वो इसे बहुत ही आसानी से हरा देगा वही उधर ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और उस तरह से वो इसके अटैक में यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था तभी अभी इसी बीच हम देखते हैं की ननान भी उसमें आ जाती है और अब को हालत में देख उसे भी उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी वही उधर लियान सेंसी को बुरी तरह से इंजॉय करके बहुत ज्यादा खुश होने लगा था इसीलिए जैसे फिर से खड़ा होने के लिए कोशिश करता है तो अब लियान फिर से अपने कानन का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन तभी हम देखते है की ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो इसका सामना करने के लिए अपने किसी सोल स्किल को एक्टिवेट करने लगता है इसके बाद हम देखते हैं की अब लियान का अटैक उसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और सेंसी ने इस तरह से इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था अब इसके वजह से हम देखते हैं की लियान भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है लेकिन आखिरकार वो सेंसी का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि सेंसी अपने इस वाले स्वल स्किल का यूज करके इसे मारने वाला था लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेफरी भी इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गया था और उसी वो जल्दी से बीच में आकर लियान को इसके अटैक से बचा लेता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं लियान का हाथ इसमें इंजर्ड हो गया होता है और इसीलिए इसके वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था और इस तरह से हम देखते हैं की सेंसी ने इस मैच को जीत लिया होता है वही उधर यू हा कहना लगता है की सीनियर सेंसी ने तो लियान के सामने अपने सबसे स्ट्रॉगेज फायर पावर को गैदर किया और उस तरह से उसने बहुत ही आसानी से अपने चलाकी का यूज किया तभी वही कहना लगता है कि आज उसने पहली बार ऐसे पावरफुल टैलेंट स्किल का यूज किया है और दूसरे तरह से बात किया जाए तो यह असल में ब्लड लाइन स्किल है लेकिन असल में में वो इसे तीन दिन केवल एक बार यूज कर सकता था था तभी हम देखते हैं लियान हालत को देख के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। और उसके अलावा बात तो उसका सामना करने के लिए भी जाने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं की मास्टर मां ने उसे आशा करने से रोक दिया था क्यूँकी वे दिए गए एंट्री लिस्ट के ऑर्डर को नहीं तोड़ सकते और अब इसीलिए अगले मैच की बारी चेन आन की होती है जिसके बाद हम देखते हैं की चेन की हालत पहले से ही खराब होने लगती है इसीलिए उसका साथ ही उसे कहना लगता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो क्योंकि अब अगले मैच की बारी मेरी है और इसीलिए मैं इसके लिए उसे सबक जरूर सिखाऊंगा इसके बाद जहाँ पर रिकवर कर रहा होता है जिसके बारे में सुनते ही चेन अपने स्किल का यूज करके बहुत ही तेज स्पीड इसके चारों तरफ घूमने लगा था तब इसे देख यारहना लगता है के मेन प्लेयर में से एक है जिसने कि टीम बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था फिर वो कहना लगता है कि इसकी स्पीड तो

गया है तब से उसके सभी सोल स्किल पूरी तरह से चेंज हो गए हैं और अब तो वो केवल अकेले को ही रिप्लेस कर सकता है लेकिन तभी पता चलता है लगा था लेकिन इसके बाद भी हम देखते है की इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और अब वो इसका सामना करने के लिए अपने सुल को एक्टिवेट कर लेता है जिसके बाद हम देखते है की इसके ऐसे स्किल को देखते ही चेन की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और फिर वो कहना

है की अगर तुम्हारे पास में बाजी लगाने का साहस नहीं है तो तुम यहाँ से बाहर चले जाओ और अब इतनी बात करने के बाद कर जीत गया, से गया था लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी की बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो गई थी और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर पाएगा तब इस टीम वाले कहना लगता है कि हमारे से को मूर्ख बनाया गया है और अब इसीलिए वो सेंसी को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे जिसके बाद हम देखते हैं की रेफरी भी इनको ऐसा करने से रुकने के लिए ऑर्डर देता है लेकिन इसके बाद भी वे इसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते और वे के के ऊपर अटैक करने लिए अपने सोल गाइड को रेडी कर लेते हैं लेकिन तभी अचानक है के अंदर कोई एंटर करता है। और वो इनके अटैक को रोकते हुए कहता है कि यहाँ पर ऐसी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जिसके बाद हम देखते हैं की इस बात से सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था की आखिरकार वो कौन है लेकिन तभी हमें पता चलता है की यह तो असल में मास्टर सुहान है और अब इसे देखते है इस रेख अकेडमी के मेंबर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर कहना लगता है कि क्या सच में अभी भी जिंदा है वहीं उधर जो लड़के अटैक करने के लिए आए थे उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी जिसके बाद लेकिन तभी हम देखते हैं कि ने सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगता है की मेरे टीम के मेंबर ने तो कोई भी गलती नहीं किया इसीलिए मैं भी देखता हूँ की कौन यहाँ के रूल को तोड़ने की हिम्मत करता है और इसीलिए जो कोई भी ऐसा करना चाहता है वो मेरे सामने आ जाए अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना